हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए आज की पहली खबर में देखिए, अपहरण के आरोप में घिरे मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा। सीएम नीतीश को सौंपा त्याग पत्र, कल ही कानून से हटा कर दिया था गन्ना उद्योग विभाग। जी हां, बिहार कैबिनेट के गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने कल देर शाम इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। साथ ही गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपहरण मामले में कार्तिक कुमार को गुरुवार दानापुर कोर्ट के एडीजे 3 के सामने पेश होना है। इसके एक दिन पहले ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दानापुर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 1 सितंबर तक राहत दी थी। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन अपहरण केस को लेकर वारंट विवाद में घिरे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का कल विभाग बदल दिया गया था। उन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। समीम अहमद अब बिहार के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद से कानून मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो दूसरी तरफ देखिए, मंत्री कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर तंज, पहला विकेट गिरा अभी और गिरेंगे। जी बिहार में महागठबंधन सरकार बनते ही विवादों में आए मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक सिंह ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, आगे और कई विकेट गिरेंगे। बता दें कि कार्तिक कुमार के किडनैपिंग केस में सरेंडर वारंट को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और सीएम नीतीश से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक सिंह के बिहार कैबिनेट से इस्तीफे देने के तुरंत बाद सुशील मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं, तभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। जी हां, 67वीं बीपीएससी पेटी परीक्षा के अभ्यर्थियों से जुड़ी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश ने इसके समाधान के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मांगे कितने जायज है, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि बीपीएससी की अभ्यर्थी पीढ़ी परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू करने और दो दिन परीक्षा आयोजित किए जाने का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे थे। बीपीएससी के गेट पर बिहार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई और इस दौरान उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर संज्ञान लिया है। समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस बात की जानकारी सीएमओ बिहार की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, बिहार में अगले 72 घंटे अच्छी बारिश के आसार है। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी बिहार में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। आईएमडी पटना ने कई जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। आईएमडी के मुताबिक बिहार में अब तक 472 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो वहीं बड़ी खबर देखिए, बिहार में बाढ़ ने दिखाया विकराल रूप, हजारों परिवार हुए बेघर, बाढ़ के बाद बारिश बनी मुसीबत। जी हां, बिहार के भागलपुर में गंगा का पानी रौद्र रूप लेते जा रहा है। मंगलवार को क्षेत्र अंतर्गत फरक्का पंचायत स्थित घोसपुर फरक्का बांध में पानी का रिसाव के बाद शाम में फरक्का के पास एक हिस्सा टूट कर गंगा में समा गया। टूटे हिस्से से तेजी से गाँव में पानी फैलने लगा और देखते ही देखते पूरे गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। त्राहिमाम की स्थिति बन गई और लोग ऊंचे स्थानों के लिए घर छोड़ने लगे। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त तो दयानिधान पांडे ने बाढ़ की स्थिति और इसको लेकर की गई तैयारी की समीक्षा के डीएम ने अवगत कराया कि पिछले वर्ष गंगा का जलस्तर 34.86 मीटर तक पहुंच गया था। इससे बाढ़ की स्थिति विकट हो गई थी। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 33.61 मीटर है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में गंगा उफान पर, भोजपुर में हालत बिगड़ने और स्कूल बंद, कोसी और सीमांचल में भी बड़ा जलस्तर। जी हां, पटना और आसपास के इलाके में गंगा के जलस्तर में बुधवार को भी वृद्धि जारी रही। बक्सर के कहलगांव तक, मुंगेर को छोड़ सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी भी मनेर और कोइलवर में खतरे के निशान से ऊपर लेकिन उच्चतम स्तर से नीचे है। उधर पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है, बाकी नदियों की स्थिति सामान्य है। वहीं देखिए, भोजपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर होने से हालात बिगड़ने लगे हैं। शाहपुर में बाढ़ के पानी से डूबने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बड़हरा, शाहपुर, आरा सदर, बिहार और उदवंत नगर प्रखंडों की लगभग 3 लाख आबादी प्रभावित है। 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण सड़क पर आवागमन ठप है। 3,000 हेक्टेयर में बड़ी संख्या में फसल डूब गई है। बड़हरा और शाहपुर में 100 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इधर बेगूसराय के बचवाड़ा से लेकर साहेबपुर कमाल तक 8 अंचलों में बाढ़ का पानी बस्ती में प्रवेश कर गया है। इसके अलावा कटिहार में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव, समस्तीपुर जिले में गंगा व वाया नदी का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है। बड़ी खबर, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने की लालू से मुलाकात, स्वास्थ्य के लिए जानकारी। जी हां, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर सीधे राबड़ी आवास से पहुंच गए। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मौके पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। बड़ी खबर देखिए, सीएम नीतीश कुमार और केसीआर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीदों और मजदूरों के आश्रितों को सौंपा गया चेक। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं सिकंदराबाद दुर्घटना के मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीदों और मजदूरों के परिजनों को सहयोग राशि भी दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि गलवान घाटी में जो बिहार के वीर जवान शहीद हुए थे और हैदराबाद में जिन मजदूरों की मौत हुई थी उनके परिजनों को सहयोग दिया गया है। इन्होंने गलवान घाटी में शहीदों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये और हैदराबाद के मृतक मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये दिए। इसके लिए केसीआर को नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में निहत्थे भारतीय जवान पर हमला किया गया, बिना हथियार के हमारे सैनिकों ने उन्हें खदेड़ने का काम किया था। वही बड़ी खबर में देखिए, तेलंगाना सीएम ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश में विकास नहीं सिर्फ नारेबाजी हो रही है। जी हां, मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम केसीआर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरावट आज तक नहीं हुआ था। आज जिस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही है, सारे पूंजीपति देश छोड़कर भाग रहे हैं। बिजली और पानी के लिए आज भी तरसना पड़ता है, इन्हीं चीजों की उपलब्धि है लेकिन काम नहीं किया जाता है। डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्रियों समेत हर एक चीजों के दाम बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को किस तरीके से चला रहे हैं यह सबको पता है। केंद्र के नाकामियों की वजह से देश को नुकसान पहुंच रहा है। विकास का नाम नहीं सिर्फ नारेबाजी हो रही है। मोदी जी ने कहा था कि 2020 तक हर गरीब का अपना मकान होगा। क्या आज सबको अपना मकान है? कहा गया था कि किसानों का आय डबल होगी, क्या डबल हुई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हुआ? केसीआर ने कहा कि धर्म की बात को लेकर लोगों को तोड़ा जा रहा है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कुमार 2024 में लाल किले से झंडा फहराएंगे, श्रवण कुमार ने बीजेपी को घेरा। जी हां, बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मंत्री कार्तिक सिंह का विभाग बदले जाने पर उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार का विशेष अधिकार है। वही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को निश्चित रूप से हराएंगे और नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराएंगे। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के तंज पर हमला बोला है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे को कॉमेडी शो बता रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यह बात पता नहीं है कि बिहार में अतिथि देवो भव माने जाते हैं, यानी अगर कोई दूसरे राज्य से बिहार आते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। बड़ी खबर, बिहार के 4 जिलों में नहीं होगी बीपीएससी पीडी की परीक्षा, हर सेंटर पर लगेगा जेमर। जी हां, बीपीएससी के 67वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पटना समेत प्रदेश के 34 जिलों के 547 केंद्रों पर आयोजित होगी। गया में प्रतिपक्ष मेले के कारण वहां परीक्षा के केंद्र नहीं होंगे। शिवहर, शेखपुरा और अरवल में भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। बीपीएससी ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर
20 और 22 सितंबर को दो चरणों में इस परीक्षा के आयोजित होने की जानकारी दी है। बड़ी खबर, बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में सरकार ने किया बदलाव, मॉडल डेड को लेकर आया ये नया आदेश। यह संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डेड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दस्तावेज निवेश अधिवक्ता अथवा मॉडल डेड में कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। 1 सितंबर यानी आज से पटना, दानापुर, फुलवार, सरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डेड से निबंधन का आदेश बीती 19 जुलाई को जारी किया गया था। बड़ी खबर, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। जी हां, सुपौल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए फ्लोटिंग पावर प्लांट ने सोमवार से काम करना शुरू कर दिया है। यह प्लांट पिपरा के देनापड़ी पंचायत स्थित सकवा गांव से राजा पोखर में है। जानकारी के अनुसार इस प्लांट से अभी लगभग 525 किलोवाट का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। प्लांट से उत्पादित बिजली को नजदीक के पावर स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार गांव में सप्लाई भी की जा रही है। अगली बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहले से और महंगा होगा बालू, नीतीश सरकार ने बंदोबस्ती दर दोगुना किया। जी हां, बिहार में बालू की कीमत पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। नीतीश कैबिनेट ने कल जो फैसला लिया है उसके बाद बिहार में बालू की कीमत बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल सरकार ने अब बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर कल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि बालू घाटों की नीलामी 5 साल के लिए की जाए, साथ ही साथ बालू की मात्रा और घाटों की स्थिति को देखते हुए दर तय करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसके बाद अब कई बालू घाटों की बंदोबस्ती दर में दोगुनी कर दी गई है। सोन नदी के अलावे क्यूल, फाल्गु, चानन और मोरहर नदी की बालू बंदोबस्ती दरें अब दोगुनी होगी। पहले यह 75 प्रति घन मीटर के हिसाब से बंदोबस्ती होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति घन मीटर कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।